you <music> वेलकम बैक बैक दोस्तों वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ एम एम ए नाव पॉडकास्ट आपका अपना पॉडकास्ट और हमारा अपना हिंदी एम एम ए पॉडकास्ट दोस्तों एक और हफ्ता आपकी लाइफ का और एक और हफ्ता एम एम ए वर्ल्ड का दोस्तों बात करेंगे बहुत सारी न्यूज के बारे में बहुत सारी फाइट जो की हो चुकी है उनके बारे में फाइट चुकी होने वाली हैं कॉन्ट्रोवर्सी सोशल मीडिया वॉर्स और दोस्तों और भी बहुत कुछ हालाँकि हमारे पास कोई फाइट थी नहीं पिछले हफ्ते यानी कि संडे को कल बट uh, फिर भी दोस्तों कोई कमी नहीं है एम एम ए मीडिया मेन न्यूज़ की uh, अगर आप देखें यू एफ सी को अगर आप देखें जर्नल एज एम ए फैन जो लास्ट जो दो महीने बीते हैं वो बहुत ही बेहतरीन थे लगातार बैक टू बैक बहुत ही अच्छे कार्ड ने हमको दिए टू सिक्सटी सेवन टू सिक्सटी एट बैक टू बैक एंड अमेजिंग और अब जो लास्ट इवेंट हो रहा है इस साल का लास्ट बिगेस्ट इवेंट फॉर दिस ईयर फॉर यू एस वो होगा टू सिक्सटी और बिकॉज़ अलवेरा का नाम पहले आता है सो यस टू सिक्सटी नाइन अलवेरा होगा दिसंबर बारह को दो हफ्ते बाद लगभग और तो क्या क्या ये तरीका है ये इस पूरे साल को खत्म करने का इन जनवरी डस्टन पोरियर की फ़ाइट हुई थी अगेंस्ट कॉर्नर मगरेगर और लास्ट मंथ लास्ट इवेंट उसमें भी फाइट करने कर रहे हैं डस्टन पोरिए सो व्हाट वट ईयर फॉर डस्टन पोरी अगर वो ये फाइट जीत जाते हैं दो विन अगेंस्ट अगेंस्ट कॉनर यहाँ पे बेल्ट जीत जाएंगे चैम्प बन जाएंगे तो आई थिंक ही बी वेरी वेरी गुड ईयर फॉर डस्टन पोरिए और वो शायद वो फाइट ऑफ द फाइटर ऑफ द ईयर की लिस्ट में भी होंगे जस्ट लाइक टमरू उस्मन नो डाउट दोस्तों बात करते हैं बहुत सारी न्यूज़ के बारे में और हालांकि हम नॉर्मली ये जो होता है पॉडकास्ट ये रिकॉर्ड करते हैं और शो करते हैं शनिवार को सैटरडे को बट क्योंकि कोई फाइट थी नहीं हमारे पास इस संडे को आई थॉट कि हमारे पास थोड़ा तो और टाइम है कि हम कुछ और न्यूज़ को कवर कर सकें या कुछ ऐसी बड़ी न्यूज़ आती है तो उसको हम मंडे को कवर कर सकें और ऐसा हुआ दोस्तों न्यूज़ आई और वो न्यूज़ है ऑब्वियसली इस्लाम के चेव बनील दरियुश फाइट दोस्तों भुख हो गई है ये फाइट होगी अगले साल फेबररी में यू सी फाइट नाइन एट पे एंड दिस इज दोस्तों दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग न्यूज़ दोस्तों फ्रेंकली क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि ये हो पाएगा जिस तरीके से जो असार दिखाई दे रहे थे कि अलीज़ के पास बहुत ही मुश्किल फैसला होगा कि क्या किया जाए गेची फॉट फॉर द बेल्ट अगेंस्ट हबीब हार गए वापस आते हैं लास्ट फाइट अगेंस्ट चैंडलर ही वाट्स टू फाइट फॉर द बेल्ट इस्लाम आका चैफ नाइन फाइट विन स्ट्रीक वांस टू फाइट फॉर द बेल्ट किसे समझाएं कैसे समझाएं कि यार मे बी वन फाइट मोर प्लीज़ रुक जाओ बट लुक्स लाइक कि इस्लामे मका चैफ़ बात मान गए हैं लग रहा है मेरे को या या अली अलीजीज़ ने जिस तरीके से बताया होगा वट एवर जो भी हुआ पीछे वेरी हैप्पी ये फाइट बुक हो गई है और ये जो फ़ाइट है मुझे इसमें वैसी ही फीलिंग आ रही है जो मुझे आ रही थी जो फाइट बुक हुई थी गेची वर्सेस चैंडलर परफेक्ट फाइट वेरी वेरी कम्पिटिटिव फाइट ज़्यादा दूर नहीं है बिनिल दरियूश इन टर्म्स ऑफ रिकॉर्ड अगर मगजब के पास तीन नौ फाइट की विन स्ट्रीक हैं बिनिल दरियुश के पास सात फाइट की विन स्ट्रीक है ज़्यादा ज़्यादा फासला है नहीं बस यस इस्लाम के पास बहुत बड़ा फ़ैन बेस है बहुत ज़्यादा सपोर्ट है और उसके बहुत बड़ा रीज़न है ऑब्वियसली हबीब दर मौका मैडोव नो डाउट हबीब ने कहा आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ इस्लाम का आकाचैफ इज़ नेक्स्ट और हबीब फैंस ने हबीब की बात मानी और अब वो सपोर्ट कर रहे हैं इस्लाम का चेफ को बिकॉज़ हबीब ने कहा है कि दिस इज़ द गाय हु इज़ नेक्स्ट एंड लोगों ने मात मान ली है कि इस्लाम का चैफ़ इज़ द सक्सेसर और इसीलिए उनके पास एक बहुत ही स्ट्रांग फैन बेस है देर इज़ नो डाउट दर इज़ नो और दर इज़ नो डाउट कि वो इसलिए बिकॉज हबीब सपोर्ट कर रहे हैं इस्लाम आग शेफ को ऑब्वियसली इस्लाम भी उस बात को प्रूव कर रहे हैं फ़ाइट पे फाइट जीत के डोमिनेट करके ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि वो बस अकेले ही उनका सपोर्ट है ही इज़ प्रूविंग कि येस आई एम द नेक्स्ट गाय जो कि चैम बन सकता है ब्रिंद दरियोश के पास सात फैर की विंस्टिक है दोनों ही फाइटर्स के पास सिर्फ एक ही बड़ी विन है इन टर्म्स ऑफ यू नो टफ अपोनेंट अगर हम बात करें ऑब्वियसली एवरी फाइट इज़ टफ बट एक हाई लेवल फाइट कर देखें लास्ट फाइट थी बिनिल दरियोश के अगेंस्ट टोनी फर्गसन आई थिंक वो थी उनकी सबसे बड़ी फाइट उनकी करियर की अगर आप देखें जो उनकी लिस्ट है लास्ट फाइट अगेंस्ट टोनी फर्गसन उससे पहले कार्लोस डीए गोफियरा उससे पहले स्टॉक स्कॉट होल्ड्समैन उससे पहले ड्रैकर क्लोज आई मीन अपार्ट फ्रॉम टोनी फर्गसन शायद ये नाम आपने कभी सुने भी नहीं होंगे अगर बात करें इस्लाम के बारे में लास्ट फाइट अगेंस्ट डैन हुकर बिगज फाइट सोफार उससे पहले थी होकोमोएसिस जू डोबर डेवी रेमोस यस yes, ओब्वियसली ये जो लास्ट फाइट थी दोनों के लिए सबसे बड़ी फाइट थी और इसलिए जो ये फाइट है इनके अब तक के करियर की सबसे बड़ी फाइट है बिकॉज डेफिनेटली इट्स ए काइंड ऑफ ए लाइट वेट एलिमिनेटर फाइट अगर यहाँ पे ये फाइट बुक नहीं होती और मान लीजिए वेट करते इस्लामा का चेफ़ डेफिनेटली वो फाइट कर पाते किसी और से या मे बी वो वेट करते एंड देन फाइट फॉर द बेल्ट पॉसिबल था बट यहाँ अगर फाइट वो हार जाते हैं देन ऑब्वियसली वो बेल्ट के नहीं खेल पाएंगे सेम इन बेनील दरियुश बट आई थिंक फॉर बेनील दरियश एटलीस्ट एक और फाइट उनको चाहिए थी बिफोर हम बात करें कि वो बेल्ट के लिए खेल सकते हैं इस जीत के साथ अगर वो जीत पाए देन यस ही कैन फाइट फॉर द बेल्ट सो so, दोस्तों एक तरीके से ये अनकही बात है कि दिस इज द फाइट जहां जो भी फाइटर इसको जीतेगा वो नेक्स्ट जाएगा और खेलेगा बेल्ट के लिए इट्स पॉसिबल डेफिनेटली पॉसिबल फॉर इस्लाम का चैफ थोड़ा सा कम पॉसिबल है फॉर बेनि दरयूश बट फिर भी एक स्ट्रॉग केस होगा एंड आई एम नॉट श्योर की कब ये फाइट होगी बिकॉज हमारे पास फाइट है लगभग दो हफ्ते बाद डिनपो वर्सेज ऑलोवेरा देन कब होगी नेक्स्ट फाइट हु नोस बट आई थिंक मे के आसपास मे जून मे बी इवन अप्रैल के आसपास पॉसिबल की फाइट करें गेची जो भी जीतेगा ओलिविरा या पोड़िए एंड देन साल के आखिर तक मे बी विनर ऑफ दिस फाइट इस्लामा कचैफ या बनील में यू फाइट फॉर द बेल्ट और उसी के आसपास शायद वापस आएंगे कॉनर मगरेगर और वापस उनके उनके बारे में बहुत सारी न्यूज़ हैं उन्होंने बहुत रिसेंटली अभी कल परसों एक लाइव एक नॉट लाइव एक ट्विटर क्यू ए ने किया था और नॉर्मली कॉर्नर इंटरव्यू नहीं देते हैं अनलस कोई फ़ाइट उनकी आ रही हो आसपास बट बिकॉज बिकॉज़ वो फ्री थे उन्होंने ये क्यू ए किया और बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आई सामने जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है बात करेंगे उसके बारे में दोस्तों बट येस दिस इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग दोस्तों आई एम वेरी हैप्पी एक्साइटेड एंड सरप्राइज कि ये फाइट बुक हो गई है इससे बड़ी फाइट नहीं बुक हो सकती थी फॉर इस्लामक एंड फॉर ऑबली बन इन आई एम वेरी हैप्पी दोस्तों हाँ अगर होता कि इस्लामकै वर्सेज गेची या बेबी द बिगेस्ट फाइट एवर फॉर दिस टू गाइज फॉर श्योर दोस्तों एनी anyway, वे वेरी हैप्पी ये फाइट होगी अब अगले साल फेबररी में एंड दोस्तों दिस दिस बी वेरी वेरी गुड फाइट जस्ट लाइक गेची वर्सेस चैनल फाइट दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो मेरी नेक्स्ट स्टोरी है उसके बारे में जो अगला हमारे पास फाइट कार्ड है दोस्तों वो है ऑब्वियसली रॉप फॉन्ट वर्सिस होजे आल्डो नॉट ए वेरी बिग कार्ड नॉट अ वेरी पॉपुलर कार्ड बट एटलीस्ट अगर बात करें फॉर डेंटी वे ए वेरी की फाइट ए वेरी की फाइट दोस्तों होजे आल्डो डेफिनेटली इस टाइम दो फट की विन स्टिक पर हैं। एज ए फैन ऑफ होजे आल्डो अगर मैं बात करूँ एज ए फैन आई थिंक लगातार ये ये थर्ड फट होगी अगर वो जीत जाएंगे तो uh, उससे पहले वो हार चुके हैं पीटर यान से उससे पहले मार, मार, uh, मार्लोन मुराइस से उससे पहले ऑब्वियसली एलेक्स वोसकी से सो so, इनकी थर्ड विन होगी कई फट वो जीत जाते हैं एक स्ट्रॉग केस बनेगा कि येस होजे आल्डो इज़ डेफिनेटली बैक बिकॉज रॉफ़ फट दोस्तों एक टफ अपोनेंट हैं और उनके पास अभी विन स्टिक है चार फाइट्स की लास्ट टाइम उन्होंने हराया था कोडी गार्ट को वेरी बिग नेम सो डेफिनेटली दिस इज गोन अब इंटरेस्टिंग अगर यहाँ पर जीत जाते हैं रॉफ फॉन्ट यस ही विल बी यू नो पॉसिबल की ये बोले येस दिस इज अव गाए एमरजिंग गाए हरा चुका है कोडिका गारब्रेंट को हरा चुका है होजे ऑल्डो को ही विल हैवे वेरी स्ट्रॉग केस की अब वो अपना नाम फें फेंकेंगे कि अब मैं खेल सकता हूँ बेल्ट के लिए होजे ऑल्डो डेफिनेटली इस टाइम पे उनके लिए ये विन एक बहुत ही बहुत ही बड़ी बात होगी इन टर्म्स ऑफ कि क्या होगा नेक्स्ट आगे नॉट विनिंग बड़ी बात बट तीन फाइट जीतना जितना अगेंस्ट ड्रॉफों डेफिनेटली उनका स्ट्रॉन्ग केस बहुत स्ट्रांग बन जाएगा कि ही इज़ बैक एंड मे बी उसके बाद एक फ़ाइट और दो फाइट और आई मीन अमेजिंग होजे ऑल्डो अभी भी फाइट कर रहे हैं राइट right? uh, पहली बार जब मैंने उनकी उनको देखा था जब कॉर्नर जब ही इज़ फाइटिंग मेंडिस और कॉर्नर गए थे वो फाइट लाइव देखने बिकॉज ऑफ दैट आई रिमेंबर बहुत ही अमेजिंग फाइट थी वो चैड मेंडिस वेरी वेरी गुड फाइट पीक ऑफ होजे आल्डो स्ट्रेंथ स्ट्राइकिंग किक्स क्रेजी वो भी फाइट कर रहे हैं और जीत रहे हैं थर्टी फाइव ईयर्स ओल्ड आई थिंक होजे आल्डो देट मी कन्फर्म दोस्तों यस yes, 35 फाइव ईयर्स ओल्ड दोस्तों दिस इज वेरी गुड फाइट एंड एटलीस्ट ये जो फ़ाइट है इसके लिए हम ये फाइट इस इसके लिए हम ये इवेंट जरूर देखेंगे नेक्स्ट संडे को दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो मेरी नेक्स्ट बड़ी स्टोरी है उसके बारे में और वो है ओबियसली कॉर्नर मगरेकर और जो अपडेट्स कुछ दिए हैं लगे uh, सर like कोई कॉर्नर मगरेकर डेफिनेटली इंट्रू नहीं कर रहे हैं Uh, जो लास्ट इंटरव्यू था वो हुआ था डेफिनेटली केज के अंदर जब उनका लेग इंजर्ड हो गया था जो रोगान आए थे उसके बाद से लगे अब तक नो इंटरव्यू एज सच आई डोंट थिंक सो कोई है हुआ क्या आई डोंट थिंक सो सो यस अब जो हालांकि उनका जो होता है गेम ऑन ट्विटर इज़ वेरी वेरी अनप्रिडिक्टेबल uh, बट जो कुछ बातें उन्होंने बताई वो बहुत इंटरेस्टिंग है लेट मी फाइंड ट्वीट दोस्तों कॉनर मक्रेगर ओके सो जो तीन बात जो कि बहुत मेन उन्हें बताई वो ये कि अप्रैल तक वो वापस से फुल फ्लैज कंप्लीट हंड्रेड परसेंट एम ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देंगे अप्रैल तक यानी कि अभी टाइम है एटलीस्ट चार महीने और पाँच महीने और इससे पहले कि वो फुल फ्लैज में ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकें और देन ई से कि उसके बाद वापसी मेरी बहुत यू नो जल्द हो सकती है बट आई डाउट अगर अप्रैल तक वो कह रहे हैं कि ही विल स्टार्ट डूइंग फुल फ्लैश ट्रेनिंग एटलीस्ट ही नीड फोर मंथ्स फाइव मंथ्स मे बी इवन मोर इससे पहले कि वापस आए तो अगर अगर अप्रैल है मे जून जुलाई अगस्त सितंबर आई थिंक आफ्टर सितंबर एनी टाइम पॉसिबल जो एक और बड़ी यूनिवर्सिटी ने बताया कि उनका जो करंट वेट है वो है 85 केजी यानी कि 187 पाउंड्स चूँकि बहुत बड़ी बड़ा वेट नहीं है फॉर ए लाइट वेट फाइटर डसन पोरी है uh, उनका होता है वेट अराउंड नाइनटीन वन नाइनटी फाइव के आसपास बट यस ही इज़ वेरी वेरी थिक ही इज़ वेरी जैकड ऑब्वियसली जब से वो इंजरी हुई है और अब तक उन्होंने कुछ uh, जो एक्सरसाइज सारी की है वो की है ओनली फॉर स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग वेट्स रेसेंस ट्रेनिंग एंड अदर स्टफ जस्ट टू मेक हिमसेल्फ फील स्ट्रांग जस्ट टू सपोर्ट हिज लेग, मेक हिज लेग मसल स्ट्रांग ताकि जो उनकी हीलिंग है वो जल्दी हो और ऑब्बियसली वैन ही विल स्टार्ट हिज एम ट्रेनिंग जो ये मसल है जो कि उन्हें चढ़ाई है ये कम होती जाएगी एंड काइंड ऑफ ए सेम टॉपिक जो हमने पहले बात की है कि कॉर्न मगरेगर ऑफ एडी एलवल फाइट जो बहुत ही लीन था और उसके बाद अगर देखें लास्ट दो फाइट में ही इज वेरी मस्कुलर इज लाइक समथिंग विच इज़ लाइक ये सोच सोच ही किया गया है बिकॉज यू नो जनरली कि मोर मस्कुलर यू आर इजीली यू गेट टायर्ड नॉर्मली हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इसे फॉलो इस रूल के अंदर नहीं आते लाइक ऑबियसली कमर उस्मन वेरी वेरी मस्कुलर बट स्टिल केन फाइट फॉर फाइव राउंड्स नो डाउट बट जस्ट लाइक यू नो यू एल रोमेरो बहुत उनके लिए मुश्किल है पाँच राउंड खेलना विद सेम पेस वीज मेरी मस्कुलर फ्रांसिस गानो वेरी मस्कुलर उनके लिए बहुत मुश्किल है पाँच राउंड खेलना बट समहा आई थिंक कॉर्नर या उनकी टीम ने यह फैसला किया कि दे हैव टू गेन मोर मसल्स और वो ये बात साफ दिखाई देती है जब वो आते हैं जो करते हैं वेट कट ही लुक्स वेरी बिग लाइक जैक नॉट लाइक नॉट बिग मस्कुलर आई एम नॉट श्योर कि ये कितना सही है उनके लिए स्पेशली बिकॉज़ ये बात साफ़ है कि लगातार पाँच राउंड खेलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो हो जाता है बिकॉज ऑफ

चाहते हैं बट uh, या yeah, अगर चाहें तो यू कैन फाइट हिमसेल्फ लाइक फ्लोइड मे वेदर खुद का उनका ही हैज ओन प्रोडक्शन और प्रमोशन और प्रोडक्शन द मनी टीम सो बट आई थिंक वो जानते हैं कि उनके लिए ईजी होगा कि यू सी उनको uh, उनके लिए फाइट्स अरेंज करें और वो फाइट करें दैट uh, वे कॉनर इज़ वेरी लॉयल उस तरीके से कॉनर बहुत लॉयल uh, है यू के लिए ऐसा कभी नहीं होगा कि कॉनर जा रहे हैं पहला टॉर में वन एफ में नेवर नेवर हाँ ही कैन फाइट इन बॉक्सिंग फाइट अंडर हिज ओन बैनर वो पॉसिबल है अगर यू एफ के साथ नहीं है तो आई डोंट थिंक ही विल जॉइन एनी अदर कंपनी एज ए फाइटर बहुत मुश्किल होगा आई I मीन mean, वेरी वेरी लेस चांसेस और रोबिस उसके अलावा उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई उन्होंने यू you नो know, कहा कि क्विक विंटन वॉज विंग द वज वेरी गुड इन द फाइट अगेंस्ट कुमार उस्मान बहुत अच्छा कर रहे थे uh, कुछ होल्स हैं जो कि दिखाई दे रहे हैं उनको आई सी होल्स इन कुमार ऊस्म गेम प्लान आई मीन टिपिकल कॉर्नर नॉट सरप्राइज बट येस आई थिंक दैट्स इट ये जो मेन बात उन्हें बताई कि अप्रैल तक ही कैन डू फुल फ्लैस स्पारिंग एंड ट्रेनिंग

जो प्लान हम उनका था, था इनिशियली की विल कम बैक 2022 में और जो उनका भी इंटरव्यू आया था उनके कोच का जॉन कैना का लुक्स लाइक कि येस दिस इज़ नाट पॉसिबल कि ही विल कम बैक एंड ही विल फाइट अगले साल 2022 के बाईस के सेकेंड हाफ़ में दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल और उस टाइम पे क्या होगा सीन कौन चैम्प होगा ओलिवेरा या डस्टोरिए या इस्लाम बाग का आई मीन दिस इज़ वेरी 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 इंटरेस्टिंग वेरी इंटरेस्टिंग दोस्तों ओके okay, दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो नेक्स्ट हमारे पास स्टोरी है उसके बारे में और वो है मैट्रिक्स फाइट नाइट दोस्तों मैट्रिक्स फाइट नाइट यानी कि एम का जो सेवेंथ इवेंट है वो ने अनाउंस किया है और वो होगा अब आने वाले दिसंबर दस को और इस बार ये इवेंट हो रहा है इंडिया में हैदराबाद में बिकॉज ऑफ पेंडेमिक आई थिंक की जो उनके इवेंट्स हैं जो लास्ट दो या तीन वो मोस्टली आउट ऑफ इंडिया हुए हैं दुबई में हुए हैं और आई थिंक एक लंबे गैप के बाद वापस आ रहे हैं वो इंडिया में इंडिया में इवेंट करने और आई थिंक uh, जो लास्ट उनका इवेंट हुआ था वो हुआ था कुछ महीनों पहले ही हुआ था आई थिंक सेप्टेम्बर अक्टूबर में सो वेरी वेरी गुड शॉर्ट टर्न अराउंड वापस आ रहे हैं वो और फाइट एक और नया इवेंट कर रहे हैं वो ओबियसली uh, जो मेरा मानना है कि जिस तरीके से उनके पास सपोर्ट है उनके पास जो सपोर्ट को मिल रहा है ऑब्वियसली दिस कंपनी इनके जो ऑनर हैं वो हैं टैगर श्रॉफ उनकी फ़ैमिली उनकी सिस्टर उनकी मदर सो so, वो सपोर्ट डेफिनेटली उनकी उनके पास है और आई थिंक इसीलिए दे इज़ ए होप आई कैन इमेजिन कि वन डे इंडिया में आते हैं यू एफ़ सी प्रेजिडेंट डेना वाइट लुकिंग फॉर ए फाइट और इस इवेंट को देखते हैं लाइव और कुछ फायर फाइटर्स को साइन करते हैं फॉर यू आई मीन आई कैन इमेजिन ऐसा हो सकता है दोस्तों जो फाइट्स हैं इस कार्ड पे उसके बारे में बात करते हैं ऑब्वियसली ये जो फ़ाइट्स हैं ये होंगी हैदराबाद में और जो मेन इवेंट है वो है अब्दुल अज़ीम बदाक्षी फाइट करेंगे अगेंस्ट मार्सेलो गिला जो को मेन इवेंट है दोस्तों वो है ध्रुव चौधरी वर्सेज सुमित खाड़े शिकांत शेखर फ्रॉम बेंगलोर दोस्तों वो फाइट करेंगे अगेंस्ट जहूर शाह अंगद बिस्ट फ्रॉम उत्तराखंड वो फाइट करने करेंगे अगेंस्ट चंग्रेंग कोरेन अभिषेक नेगी विल फाइट अगेंस्ट श्यामानंद साहिल राणा विल फाइट अगेंस्ट क्लिंटन डी क्रूज जोजो राजकुमारी विल फाइट अगेंस्ट इशिका तिहिते और ठीठे आई एम सॉरी अगर मैं नाम गलत प्रनाउंस कर रहा हूँ तो जो अंडरकार दोस्तों वो है वहाँ पर तीन फाइट हैं अरशियान मेमम वर्सेज विशमित्रा मैंगलम मयंगलम बम बॉन्जोवी वर्सेज गजेंद्र रावत और करण सिंह वर्सेस मनदीप प्रजापति दोस्तों ये फाइट्स हैं सात फाइट, है। फाइट मेन कार्ड में तीन फ़ाइट अंडर कार्ड पे और दोस्तों ये फाइट आप देख सकते हैं सिर्फ सौ रुपये दे के लाइव आई थिंक अगर इंडिया में कभी यू आई और उन्होंने किया कि यू हैव टू पे आपको पैसा देना पड़ेगा अब यू की फाइट दे, देखने के लिए तो आई थिंक ये बहुत अच्छा होगा सौ रुपये दे आप फाइट देख सकते हैं ऑब्वियसली इस टाइम पर उनका जो है जो प्राइस है वो सिक्सटी फोर डॉलर कुछ है जो कि बहुत ही मुश्किल होगा इंडियन फैन्स के लिए बट मैट्रिक्स फाइट नाइट दे रही है आपको सौ रुपए में सारा इवेंट देखने का मौका इच्छ वेरी गुड राइट और अगर आप हैदराबाद में हैं, आई एम नॉट श्योर कि क्या ये इवेंट ओपन है फॉर पब्लिक अगर ओपन है और अगर आप रहते हैं हैदराबाद में उसके आस डेफिनेटली दोस्तों आप ये फाइट जाके ये इवेंट जाके देख सकते हैं लाइव एज ए फाइट फैन आई थिंक आने कुछ सालों में हमारे पास बहुत सारे ऐसे होंगे फाइट्स ऐसी ऐसी कंपनीज होंगी ऐसे इवेंट्स होंगे जो कि आप देख सकते हैं कुछ जाके लाइव और अगर आप हैदराबाद में हैं डेफिनेटली सो so दोस्तों ये इवेंट आप लाइव ज़रूर देख सकते हैं आई एम नॉट श्योर कि क्या ये पब्लिक है नहीं है आई मेक वन मोर वीडियो फॉर अदर थिंग्स की क्या है इसकी डिटेल्स कैसे आप ये फ़ाइट देख सकते हैं लाइव और क्या आप वहाँ पर जाके लाइव एज ए ऑडियंस में भी आप ये फ़ाइट देख सकते हैं या नहीं पर दोस्तों आई एम वेरी हैप्पी और फ्यू सरप्राइजिंग थिंग्स हैं जो कि होने वाली हैं आप वेट करिएगा उसका फॉर दिस इवेंट दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते जो भाई लास्ट स्टोरी है इस इवेंट की और इस पॉडकास्ट की वो ऑब्वियसली जो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास वो है चार्ल्स सोलो सोलोवेरा वर्स डस्ट पोरिए और ये फाइट होगी दोस्तों ये इवेंट लास्ट इवेंट फॉर लास्ट पेपर यू इवेंट फॉर यू और ये इवेंट होगा दिसंबर बारह को लगभग दो हफ्ते बाद ऑब्वियसली हम इसको कवर करेंगे डिटेल में हमारे पास जो होता है नॉर्मल वीडियो फॉर प्रिव्यू ब्रेकडाउंस एंड मे बी इवन लाइव वेन चैट द रीज़न कि मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि बिकॉज दिस इज दिस इज़ अ वेरी वेरी स्पेशल इवेंट चार्ल्स ओलोवेरा को हमने कभी नहीं देखा फाइट करते हुए बिफोर टूनी फर्गसन बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा नॉट सेंगी सब ने बट आई थिंक जो फाइट थी उनकी थी लास्ट फाइट थी अगेंस्ट टूनी फर्गसन आई थिंक पहली बार बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोगों ने उनको पहली बार नोटिस किया होगा कि ये चार्ल्स ओलोवेरा है एंड ही इज़ लाइक दिस और जब उनकी फ़ाइट हुई अगेंस्ट मैके चैंडलर डेफिनेटली विकम चैम्प और एक तरीके से ये आ, उनके लिए बहुत बड़ी फाइट है टोनी फर्गसन वॉज नॉट ए ऑब्वियसली उस टाइम से पहले वो टू टाइम्स ही वॉज डिफिटेड इस टाइम पे हराना टोनी फर्गसन को कोई बड़ी बात नहीं है और ऑब्वियसली आई एम वेरी सैड टू सेट लेकिन जब हराया था गेची को गेची ने हराया था टोनी को बहुत बड़ी बात थी शॉकर बिकॉज टोनी वॉजन विंस देन हराया उनको ओलवेरा uh, ने तो इट वॉज नॉट दैट बिग ऑफ ए शॉक बट येस उसके बाद लोगों ने पहली बार देखा कि येस दिस ओलवेरा एंड देन जब वो खेले बेल्ट के लिए यार वाई ओलवेरा इज फाइटिंग फॉर द बेल्ट वाई चैंडलर वो बहुत ही वियड फाइट थी नाउ दिस इज़ लाइक द फर्स्ट फाइट एज ए चैम्पियन फैंस उनको देखेंगे और बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं बहुत सारे फाइटर्स कमेंट्स कर रहे हैं कि uh, गिच ने कहा कि उनके पास वो नहीं है डॉग वो वो कुत्ता जो होता है एक अंदर की नोबड़ी कैन डिफीट में वो हार मान लेते हैं फाइट में विच इज़ क्रेजी बिकॉज वो चैंप है इस टाइम पर तो मे बी दिस इज अ माइंड गेम गिच इज प्लेंग गिच इज प्लेंग प्लेइंग माइंड गेम्स बट येस आई आई थिंक दिस इज दिस इज़ अ वेरी वेरी फर्स्ट फाइट फॉर ऑलोवेरा जहाँ पर बहुत सारे लोग उनको देखेंगे पहली बार लास्ट फाइट अगेंस्ट चैंडलर मे बी इट वॉज नॉट अ वेरी बिग इवेंट हु नॉज चैंडलर ओलोवेरा मे बी सम पीपल नो बट नाओ पीपल नो हिम ही इज़ अ चैम्प नाओ और ये उनके लिए बहुत ही बड़ी फाइट होगी एज ए फर्स्ट डिफेंस ऑफ इस बेल्ट लाइक लेके सेड अगर वो यहाँ पर ये फाइट जीत गए तो दो विन अगेंस्ट कॉनर मगरेगर एक विन ये वाट एयर फॉर डिस्टनपोरिए पैसा कमाया बहुत ज़्यादा बिकॉज ऑफ कॉर्नर दो, uh, दो फाइट के अंदर और यहाँ पर ही बिकम चैम्प आई मीन क्रेजी दोस्तों वेरी 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 इंटरेस्टिंग दोस्तों वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दिस फाइट हमारे पास ऑब्वियसली को मिन इवेंट में है अमांडा नूनेस जो कि फाइट करेंगी अगेंस्ट जूलियाना पेना नॉट दैट आई वुड से होपिंग फॉर ए मिराकल अमांडा इस टाइम में बहुत ही अलग लेवल पर हैं दज नो डाउट नो बड़ी कैन से की है दि इज ए चांस फॉर जूलिया पैना बिकॉज जिस जिस हिसाब से खेल रही हैं अमंड नूनस बहुत मुश्किल है कि उनको कोई उनको हरा सकता है इस टाइम पे बट yes, येस ये होगा उनके लिए एक और डिफेंस उनके बेल्ट के लिए इंटरेस्टिंग उसकी बात क्या होता है क्या वो बोलती हैं पोस्ट फाइट कॉन्फ्रेंस में या क्या वो बोलती हैं पोस्ट uh, फाइट इन रिंग इंटरव्यू में क्या उनके नेक्स्ट है मे बी वलेंटीना मे बी कोई बाहर से कोई फाइटर यूसी लेके आ रही है पर दोस्तों यस दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि क्या होगा नेक्स्ट इस फाइट के बाद फॉर अमनर नोनेस दोस्तों यह था हमारा आज का इवेंट ये था हमारा आज का पॉडकास्ट एंड आई फील कि जिस हिसाब से ये साल जो कुछ फाइट्स इवेंट्स गई हैं एक बहुत ही अच्छा तरीका होगा कि हम इस साल को फिर से एंड करें जस्ट लाइक लास्ट ईयर विद अवर एम एम अवार्ड शो अगर लास्ट ईयर आपने हमारा अवार्ड शो देखा होगा इट वॉज़ फन दोस्तों इट वॉज़ वेरी 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 मच अप्रिशिएटेड इवेंट अप्रिशिएटेड बेनो वीडियो और इस बार थोड़ा सा और उसको बनाएंगे इंटरेक्टिव जहाँ पे आप लोगों के पोल्स हैं आप लोगों के जो ओपिनियन है उनको भी लिया जाएगा बहुत लास्ट टाइम में हमने लिया था बट नॉट फॉर ऑल फाइट्स इस टाइम पर लेंगे फॉर ऑल फाइट्स फॉर ऑल अवार्ड्स और बहुत दोस्तों मज़ा आएगा मे बी सम मोर सरप्राइजिंग थिंग विल कम फॉर यू दोस्तों एनी anyway, वे ये था हमारा आज का शो ऑब्वियसली नो फाइट लास्ट वीक नेक्स्ट वीक मेरे पास फाइट होगी रॉप फोंट वर्सेज हो जल्डो और देन हमारे पास ऑब्वियसली है जो डस्टिन पोरिए वर्सेज चार्स एलोवेरा और चार्स एलोवेरा वर्सेज डस्टिन पोरिए बिकॉज चार्स इज द चैम्पियन दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टाइम थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग लेट्स डू लाइव चैट नेक्स्ट वीक फॉर द नेक्स्ट इवेंट थैंक यू सो मच लेट मी स्टार्ट द द ऑडियो द द म्यूजिक दोस्तों थैंक यू सो मच टेक केयर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम और प्लीज सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब दोस्तों मैं बहुत कम ऐसा कहता हूँ नॉर्मली बट प्लीज़ सब्सक्राइब इट विल रियली हेल्प मी टू सपोर्ट दिस चैनल एंड टू सपोर्ट मी थैंक यू सो मच दोस्तों टेक केयर बाय बायू सोन